हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का अपना गेम प्ले आ चुका है सोनिक 2 डैश बूम प्राइम डैश का छोटा भाई सोनिक। तो गाइस, ये नकल्स का हमारे पास कुछ इवेंट आया हुआ है। नकल्स हमारे पास है नहीं, नकल्स हमें मिलेगा 180 शील्ड स्टार्स पे, मतलब जो रेड वाले स्टार हैं शील्ड में होते हैं उसका हमें नकल मिलेगा। इसके हम मिशन कर देंगे। तो फिलहाल हम कलेक्ट कर रहे हैं, आज काफ़ी दिनों बाद हमने ऑन की है, तो इसको हम पहले कलेक्ट वाला सीन कर लेंगे, उसके बाद करेंगे बाकी सीन्स। तो बाकी सीन भी आपको समझा दिया जाएगा अभी के अभी, लेकिन फिलहाल हमने जो काम करना है, जो इम्पोर्टेंट काम करना है, वो ये है कि हमने लेवल अप तो हमारा हो चुका है स्टिकर्स का, तो चले चलते हैं अपने डायरेक्ट रेस के अंदर। मैंने आज एक और बोंगी मारी है, मैं एडमिट कर रहा हूँ, और वो बोंगी क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत अच्छा खेल रहा था अपने विक्टर दादा के साथ। लीडर रनर है हमारा, रनर हमारा सोनिक है, और जो लीडर रनर है वो है हमारा वेक्टर हेक्टर व्हाट सो एवर। तो भाई साहब, मैं इसके साथ बहुत ही तगड़ा खेल रहा था। अबे यार, ये क्यों चेंज क्यों नहीं हो रहा, मैं चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। तो भाई कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे कर लेंगे, घर की बात है, हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने ही तो करना है। जी हाँ, हमने ही तो करना है, ये कल के बच्चे क्या चेंज करेंगे। तो You सोनिक cannot डैश run me सोनिक yet, बूम टू master. हमारा हेक्टर हमारा आ चुका है पहले के लिए हमारी रेस के अंदर, और जो होने वाली है इसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला। खैर, जो मैंने करना है यानी जो सामने आने हैं रोबोट बाइकर्स, वो अब स्टार्टिंग में पेल दिया मुझे पकड़ के। गाइस, हमारी शील्ड तो चली गई है स्टार्टिंग में ही, लेकिन बंदे पेलने थे एनिमी को मारने की कम्बो हमने स्टार्ट करनी। मैंने कहा ठीक है, कम्बो स्टार्ट कर लेते हैं अभी के अभी, पेल देंगे पकड़ के। तो गाइस, आज पहला ऐसा दिन है जिसमें मुझे याद रहा है कि मैंने अपनी डैश को यूज करता। डैश का मतलब गलत मत ले लेना कमीनो, तुम बहुत डबल माइंडेड हो, तुम मेरी बात को गलत वे में ले जाते हो। मेरा मतलब है कि मैं अपने हेक्टर की डैश को हेक्टर पे यूज करने वाला हूँ। डैश का मतलब यह है कि जो ऊपर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, 7,000 8,000 हो गए हैं, और साथ में एक पीली पट्टी चल रही है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, जी हाँ, टेंशन नहीं लेनी, जो बात करेंगे वो करके दिखाएंगे, नहीं तो बात ही नहीं करते हम ऐसी जो हम करके कर दिखा सके। ये मक्खियाँ शक्खियों को तो पेल दिया जाए यार। गाइस, मैं आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट दरख्तों वाला सीन आ रहा है, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा, एक रीजन है मेरी। अभी मैंने सोचा है कि पहले जैसे इस ट्रैक पे भागता जाऊंगा हेक्टर की स्पीड बढ़ती जाएगी। सोच रहा हूँ खुद को चैलेंज करूँ, तेज स्पीड में भागने की कोशिश करूँ, और मैं वही कर रहा हूँ। डैश रेडी, हमारी डैश रेडी हो चुकी है, हेक्टर की डैश। भाई हेक्टर की डैश है, मुझे कुछ नहीं कहना। चल तेरी भैंस की डंडी, अब हम इसको यूज कर रहे हैं, और भाई साहब फेल दिया पकड़े सबको। डैश का मकसद ये है कि आप लोगों को कोई चीज भी तंग नहीं करने वाली रास्ते में। और बाइकर आ गए, बाइकरों को तो मारने का मुझे मजा ही बड़ा आता है। तो गाइज, आज फिर हम अपनी मिथ को नहीं तोड़ पाएंगे, आज फिर हमारा टॉप 12 ही होने वाला है। गाइज, मैं कुछ सिक्के नहीं लगाना चाहता, हाँ तोड़ने पे मैं तोड़ सकता हूँ, 50,000 पे जाके टूट जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब करेंगे तो भाई लोकल करेंगे, खुद मेहनत करके करेंगे, ना कि मेन ये चीटिंग करके सिक्के लगा लोगों की या ऐड देख दो कि ना 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 ना, हम में ये चीज़ नहीं है। हम करेंगे तो डंके की चोट पे करेंगे, और करके दिखाएंगे व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और जो हमारी डैश हमने यूज़ कर ली, दोबारा डैश हमारी बन रही है। 30K पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं गाइस, 30K, लिटरली आई एम ऑन 30K। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल मेक माई डे, प्लीज मेक माई डे, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो ये गाइज मेरी एक मूव गलत होगी, मैं लेफ्ट पे चला गया, मैं सोचा 50K में कर लूंगा। मैंने कहा ले लेते हैं अपना सोनिक डैश मैग्नेट अट्रैक्ट रिंग्स ऑटोमेटिकली। तो भाई ये रिंग्स के लिए मैंने ले लिया था, मैंने कहा अच्छा खासा हो गया है, और ये मैं मार भी ठीक ठाक रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे इतनी भयानक रास्ते आने वाले हैं, और मैं पिल गया यहाँ पे। तो गाइज, आज का गेम प्ले यहीं पे तक था, मिलते हैं अगले गेम प्ले में। तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि 35K तक तो मैं चला गया था, 50K हम फिर नहीं कर पाए। तो लेट्स गिव अ ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम टू डू दिस जॉब। अल्लाह हाफिज़।